नमस्कार, बीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। शिवसेना नेता संजय राउत ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और आगाह किया है कि राज्य में केंद्रीय एजेंसियां जिस तरह से जांच कर रही है वो महाराष्ट्र के गृह विभाग की शक्तियों पर अतिक्रमण है। तो पलवल के गांव धतिर में खून का बदला खून सामने आया है। कुछ लोगों ने घेर कर एक व्यक्ति के सीने में धड़ाधड़ कई गोलियां उतार दी। वही कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद सुर्खियों में आए पंच प्रभाकर सेल की हृदयाघात से मौत हो गई है। इस बीच मुंबई की एक कंपनी की ओर से श्रीलंका के कोलंबो में काम करने गए दिनेश चौहान का शव एक सप्ताह बाद भी उनके घर नहीं पहुंचा है। तो उधर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा जैसे कार्यक्रमों के आयोजन में व्यस्त हैं, लेकिन वे देश के ज्वलंत मुद्दों को नजरअंदाज कर रहे हैं। प्रदेश की इन पांच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच लड़ाई बढ़ती जा रही है। केंद्रीय एजेंसियां जहां शिवसेना और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ ताबड़तोब कार्रवाई कर रही हैं, वहीं अब महाराष्ट्र पुलिस बीजेपी नेताओं के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी में है। शिवसेना ने महाराष्ट्र के गृह विभाग से कहा है कि बीजेपी नेताओं के खिलाफ जितने भी मामले दर्ज है उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि अगर महाराष्ट्र पुलिस को गृह विभाग से उचित आदेश मिलते हैं तो मुझे लगता है कि बेहतर परिणाम सामने आएंगे। मुख्यमंत्री के साथ मेरी बातचीत हुई है, मैंने कहा है कि राज्य में केंद्रीय एजेंसियां जिस तरह से जांच कर रही हैं ये महाराष्ट्र के गृह विभाग की शक्तियों पर अतिक्रमण है। मजबूत कदम उठाने होंगे या आप हर दिन खुद के लिए एक नया खुदा हुआ गड्ढा दिखेंगे। बैठक के तुरंत बाद गृह मंत्री वलसे पाटिल ने डीजीपी रजनीश सेठ से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ एक और बैठक की। राउत के दावे पर उन्होंने कहा कि अगर कोई कमी है तो हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। ये पूछे जाने पर कि क्या गृह विभाग भाजपा नेताओं पर नरम है, उन्होंने कहा कि ये नरम या कठोर दृष्टिकोण नहीं है। हम जो भी कार्रवाई करते हैं वो ये सुनिश्चित करने के लिए है कि अदालत में कायम रहे, यदि कोई अपराध होता है तो कार्रवाई की जाएगी। पलवल के गांव धतिर में खून का बदला खून सामने आया है। दरअसल वर्ष 2011 में ईश्वर उर्फ भोला और उसके पिता ओम प्रकाश का महेश से झगड़ा हो गया था। इसी झगड़े में वर्ष 2012 में महेश के चाचा संतराम की हत्या हो गई, जिसका आरोप भोला पर लगा था। इस मामले में भोला जेल में भी बंद रहा था। बाद में दोनों झगड़ों का पंचायती तौर पर फैसला हो गया था, लेकिन बदले की आग सीने में जल रही थी। भोला अल्ली का गांव की तरफ स्थित अपने खेतों पर मौसी के लड़के के साथ जा रहा था। रास्ते में शमशान घाट से पहले मोबाइल टावर के नजदीक अनिल, राजू, योगेश सहित 7-8 बदमाशों ने उसका रास्ता रोक लिया और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। भोला गली और प्लॉटों की तरफ भागा, लेकिन आरोपियों ने उसे घेर लिया और ताबड़तोब करीब 13 गोलियां चलाई, जिनमें से 6 गोलियां भोला को लगी। भोला को 2 निजी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन दोनों जगहों डॉक्टरों ने उसे गंभीर हालत बताते हुए रेफर कर दिया। बाद में जिला नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने भोला को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार भोला की मां का करीब 6 दिन पहले ही आकस्मिक निधन हो गया था। शोक से उठने के बाद भोला अपने मौसी के लड़के कृष्ण के साथ खेतों की तरफ जा रहा था, तभी उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के आरोप में अनिल, राजू, योगेश व महेश सहित 8 के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। सभी आरोपी फरार है। कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद सुर्खियों में आए पंच प्रभाकर सेल की मौत हो गई है। उनके वकील तुषार खंडारे के अनुसार कल चेंबूर के माहुल इलाके में उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया है। गौरतलब है कि स्वतंत्र गवाह प्रभाकर सेल ने दावा किया था कि वो केपी गोसावी का पर्सनल बॉडीगार्ड था। वही केपी गोसावी जिसकी आर्यन के साथ सेल्फी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई थी। इतना ही नहीं, प्रभाकर सेल ने हलफनामे में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर आरोप भी लगाया था। सेल का कहना था कि वानखेड़े मामले में स्वतंत्र गवाह आरोपियों को खरीदने की कोशिश कर रहे थे। प्रभाकर सेल को इस मामले में एक प्रमुख गवाह माना जाता था। वो प्रभाकर ही था जिसने ये कहकर सबको चौंका दिया था कि जिस 2 अक्टूबर 2021 की रात आर्यन खान को क्रूज से हिरासत में लिया गया, उस रात शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी भी किरण गोसावी से आकर मिली थी। बहरहाल प्रभाकर की मौत ऐसे वक्त हुई है जब एक दिन पहले ही कोर्ट ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाने के कारण फटकार लगाई है। ये सब एक संयोग हो सकता है, लेकिन ये सब केस को प्रभावित जरूर करने वाला है। हालांकि ये मामला पूरी तरह बिखर गया है। हाई कोर्ट से आर्यन खान की जमानत और उसके बाद अभी तक एनसीबी आर्यन खान या उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट के खिलाफ ऐसे कोई सबूत नहीं जोड़ पाई है जिससे ये साबित हो कि दोनों ड्रग्स की तस्करी में शामिल थे। दूसरी ओर समीर वानखेड़े खुद विभागीय जांच का सामना कर रहे हैं।
श्रीलंका के कोलंबो स्थित एक कंपनी में विद्युतकरण से जान गंवाने वाले दिनेश चौहान का शव एक सप्ताह बाद भी उनके घर नहीं पहुंचा है। शव के इंतजार में दिनेश के परिजन सदमे में हैं। दिनेश के भाई प्रमोद के मुताबिक कंपनी के अधिकारी शव भेजने के लिए कोर्ट की NOC नहीं मिलने की बात कर रहे हैं। साथ ही उनकी शर्त है कि शव मिलेगा या फिर पैसा। दरअसल सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के सिंगाही गांव निवासी दिनेश चौहान बीते 20 जनवरी को श्रीलंका नौकरी करने गए थे। वो श्रीलंका के कोलंबो शहर में मुंबई की एक कंपनी SS के शिप रिपेयरिंग एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लंका प्राइवेट लिमिटेड वेलियमुना रोड हैंडला बटाला में बतौर वेल्डर काम करते थे। बीते 28 मार्च की रात दिनेश के परिजनों को दिनेश की मौत की सूचना मिली। दिनेश के भाई प्रमोद के मुताबिक कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि ड्यूटी के दौरान विद्युत करंट लगने से दिनेश की मौत हो गई। 5 दिन की भागदौड़ के बाद कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि दिनेश के शव का पोस्टमार्टम हो गया है, लेकिन कोलंबो की कोर्ट से NOC न मिलने की वजह से शव भेजने में विलम्ब हो रहा है। कोर्ट से NOC मिलने के बाद शव भेज दिया जाएगा। प्रमोद ने बताया कि कंपनी के अधिकारियों ने यह भी कहा कि दिनेश का शव इंडिया भेजने में लगभग 4 लाख रुपए का खर्च आएगा। ऐसे में या तो दिनेश का शव मिलेगा या पैसा, लेकिन दिनेश के परिजनों ने शव और पैसा दोनों की मांग की है। कंपनी के अधिकारियों की शर्त से परेशान दिनेश के परिजनों ने अब सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी से मदद की गुहार लगाई। विधायक ने आश्वासन दिया है कि पीड़ित परिवार की हर संभव मदद की जाएगी। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा जैसे कार्यक्रमों के आयोजन में व्यस्त है, लेकिन ऐसा लगता है कि मुद्रास्फीति, सुस्त आर्थिक विकास और बढ़ती बेरोजगारी जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने और उनका समाधान करने के लिए उनके पास समय ही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा जैसे सालाना कार्यक्रम के जरिए छात्रों से संवाद करते हैं। उन्होंने PM मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री देश के ज्वलंत मुद्दों को नजरअंदाज कर रहे हैं। वो प्रचार मंत्री की तरह कार्यक्रम आयोजित करने में लगे हुए हैं। देश की जनता बढ़ती महंगाई से जूझ रही है और युवाओं को रोजगार मिलना मुश्किल हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री किसानों और श्रमिकों की समस्याओं के बारे में बात तक नहीं कर रहे हैं। पटोले ने सवाल करते हुए पूछा कि चाय पे चर्चा और परीक्षा पे चर्चा जैसे कार्यक्रमों में व्यस्त प्रधानमंत्री मोदी महंगाई पे चर्चा कब करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ईंधन की बढ़ती कीमतों और महंगाई ने आम नागरिकों के लिए जीवन कठिन बना दिया है। पिछले 10 दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतें हर रोज बढ़ रही है और कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 250 रुपए प्रति सिलेंडर की वृद्धि हुई है। महंगाई की इस विभत्स स्थिति के खिलाफ विपक्ष लगातार जनता की आवाज उठा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार अपनी ही धुन में है। केंद्रीय एजेंसियों को सामने कर विरोधियों को पस्त करने की कोशिश की जा रही है। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश NV रमन ने CBI, ED व गंभीर अपराध जांच कार्यालय के लिए एक स्वतंत्र निकाय बनाने की आवश्यकता जताई है। तो केंद्र ने कहा है कि सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण रद्द करने से मुकदमों की बाढ़ आ सकती है। वहीं नोएडा पुलिस की गिरफ्त में आए नाइजीरियन जालसाज की पहचान ऑसिटर चर्चिल पॉल के रूप में हुई है। शादी का झांसा देकर उसने 500 से अधिक महिलाओं से 50 करोड़ से भी अधिक की ठगी की है। इसी बीच विक्रम संवत 2079 के शुभारंभ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से प्रयागराज को भगवामय करने के लिए ओम अंकित भगवा ध्वज बांटे जा रहे हैं। उधर पशुपालन घोटाला के सामने एक मामले में CBI के प्रभारी जज ने होटवार केंद्रीय कारा रांची को लालू प्रसाद यादव पटना की अदालत में 30 अप्रैल को पेश करने का निर्देश दिया है। देशभर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के आरोपों व इनकी साख पर सवालों के बीच सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश NV रमन ने अहम राय प्रकट की है। CJI रमन ने CBI, ED व गंभीर अपराध जांच कार्यालय के लिए एक स्वतंत्र निकाय बनाने की आवश्यकता जताई जिससे अधीन ये सब काम करे। जस्टिस रमन ने कहा कि एक स्वतंत्र निकाय अलग अलग जांच से उत्पन्न समस्या को खत्म करेगा और इन केंद्रीय जांच एजेंसियों को राजनीतिक प्रताड़ना के आरोप से बचाया जा सकेगा। 19वें DP कोहली स्मृति व्याख्यान में लोकतंत्र जांच एजेंसियों की भूमिका विषय पर विचार प्रकट करते हुए जस्टिस रमन ने यह बात कही थी। DP कोहली CBI के पहले निदेशक थे। शुक्रवार को यह व्याख्यान दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा कि समय की मांग है कि हम सामाजिक वैधता और सार्वजनिक विश्वास को बहाल करें। इस दिशा में पहला कदम राजनीतिक कार्यपालिका के साथ साठगांठ खत्म करता है।
कुछ मामलों में सीबीआई की सक्रियता व निष्क्रियता उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठे। इसलिए एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय बनाना जरूरी है, जिससे सीबीआई, ईडी व एएफएसआई समेत अन्य जांच एजेंसियां एक छत के नीचे काम कर सके। इससे जहां अलग अलग जांच का सिलसिला खत्म होगा, वही इन एजेंसियों को भी राजनीतिक प्रताड़ना के आरोपों से मुक्ति मिलेगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण रद्द करने से कर्मचारियों में अशांति होगी और मुकदमों की बाढ़ आ सकती है। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बी आर गवई की पीठ के सक्षम दायर हलफनामे में केंद्र ने कहा कि आरक्षण की नीति संविधान और इस अदालत द्वारा निर्धारित कानून के अनुरूप है। यदि इसकी अनुमति नहीं दी जाती है तो एससी एसटी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण के लाभों को वापस लेने पड़ेंगे। इससे कर्मचारियों के वेतन पुनर्निर्धारण होगा। सेवानिवृत्त कर्मियों से अतिरिक्त वेतन व पेंशन की वसूली करनी पड़ सकती है। इससे कई मुकदमे होंगे और कर्मचारियों में अशांति पैदा होगी। केंद्र ने तर्क दिया कि आरक्षण किसी तरह से प्रशासन को बाधित नहीं करती है। शीर्ष अदालत ने केंद्र को हलफनामा दाखिल कर डेटा पेश करने कहा था। साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने के लिए डेटा को लेकर की गई दिमाग कसरत से अवगत कराने के लिए कहा था। शीर्ष अदालत ने 28 जनवरी को एससी और एसटी को सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए कोई भी मानदंड निर्धारित करने से इनकार करते हुए कहा था कि उनके अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का निर्धारण राज्य का विवेक है। न्यायालयों के लिए यह कानून उचित नहीं है कि वे कार्यपालिका को क्षेत्र के संबंध में निर्देश जारी करें। नोएडा पुलिस की गिरफ्त में आए नाइजीरियन जालसाज को लेकर कई राज अब सामने आने लगे हैं। वह मेडिकल वीजा पर 2013 में भारत आया, ठगी के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग ली, साइबर ठगी से जुड़ी किताबें नियमित रूप से पढ़ी। इसके बाद ग्रेटर नोएडा में रहकर मैट्रिमोनियल साइट और सोशल मीडिया के माध्यम से पहले दोस्ती और फिर शादी का झांसा देकर 500 से अधिक महिलाओं को फांस लिया। आरोपी की पहचान ऑसिटर चर्चिल पॉल के रूप में हुई है। वह खुद को ब्रिटेन में डॉक्टर बताता था। महिलाओं से दोस्ती के बाद शादी करने के लिए प्रपोज करता था। शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट होने पर महंगे गिफ्ट, ज्वेलरी, विदेशी मुद्रा भेजने की बात किया करता था। इसके बाद आरोपी की पत्नी एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारी बन कॉल करती थी और गिफ्ट के रूप में भेजी गई विदेशी मुद्रा और सामान के पकड़े जाने और उसकी कस्टम ड्यूटी भरने के लिए जाल बिछाती थी। इसके बाद अपने खाते में ठगी की रकम ट्रांसफर कराते थे। पिछले 8 वर्षों में 500 से भी अधिक महिलाओं से 50 करोड़ रुपए के करीब ठगी कर चुका है। उसके पास से पुलिस को 10 बैंक अकाउंट मिले हैं। पुलिस ने उसके पास से 46 सिम कार्ड और 17 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। ज्यादातर सिम कार्ड दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत में रहने वाले लोगों के नाम से जारी कराया गया है। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी गोवा और मणिपुर के रहने वाले कुछ लोगों के संपर्क में था। उनके जरिए वो फर्जी सिम जारी करा रहा था। विक्रम संवत 2079 आज शनिवार से शुरू हो रहा है। देश के अलग अलग भागों में विभिन्न हिंदू संगठनों की ओर से कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसे लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बड़ी तैयारी की है। संगम नरी यानी प्रयागराज को भगवामय करने के लिए ओम अंकिता भगवा ध्वज बांटे जा रहे हैं। पत्रक और नव संवत्सर से संबंधित पंचांग भी जन सामान्य को दिए जा रहे हैं। विचार परिवार से जुड़े लोग बधाई पत्र भी दे रहे हैं। चैत्र नवरात्र के पहले दिन से हिंदू कैलेंडर की शुरुआत होती है, इसे लोगों को बताया जा रहा है। खासकर विद्यार्थियों को इस संबंध में जानकारी दी जा रही है। सेवा बस्तियों में भी विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि वर्ष के पहले दिन को सनातनी परंपरा के अनुसार मनाया जाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांतीय सेवा प्रमुख नागेंद्र ने बताया कि विक्रम संवत 2079 के शुरू होने के उपलक्ष्य में 1 लाख से अधिक ध्वज अलग अलग क्षेत्रों में बांटे जा रहे हैं। प्रयागराज में 40 नगर है, सभी जगहों पर बड़े आयोजन भी किए जाएंगे। संघ के स्वयंसेवक पूर्व गणवेश में पथ संचलन, शारीरिक प्रदर्शन भी करेंगे। इसके अतिरिक्त इन नगरों में 378 बस्तियां भी है। सभी जगहों पर कुछ न कुछ आयोजन किए जाएंगे। शहरों के चौराहों और मोहल्लों में ध्वज के साथ तोरण पताकाएं लगाई जा रही है। संघ से जुड़े कुछ लोगों ने कहा कि हमारी परंपराएं गलियों, सड़कों में मुस्कुरा रही है, धर्म ध्वजा लहरा रही है। पशुपालन घोटाला के एक मामले में सीबीआई के प्रभारी जज ने होटावार केंद्रीय कारा रांची को लालू प्रसाद यादव को पटना की अदालत में 30 अप्रैल को पेश करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद के अधिवक्ता एजाज हुसैन ने अदालत में एक आवेदन देकर पेश कराने का निवेदन किया था।
पशुपालन घोटाला की सुनवाई सीबीआई प्रभारी की अदालत में लंबित है। इस मामले में सीबीआई के विशेष जज की अदालत में लालू प्रसाद यादव समेत 3 आरोपियों को अदालत में पेश करने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया था। लालू अभी बीमार है और उनका इलाज दिल्ली एम्स में चल रहा है। किडनी की समस्या से जूझ रहे लालू प्रसाद यादव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव को 5 साल जेल और 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। तबीयत खराब होने के कारण उनका रांची रिम्स में इलाज चल रहा था। हालत चिंताजनक होने पर उन्हें मेडिकल बोर्ड की अनुमति पर इलाज के लिए दिल्ली एम्स भेजा गया था। लालू अभी दिल्ली एम्स में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। डोरंडा कोषागार मामले में जमानत के लिए उनकी ओर से झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई है। मामला डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का है। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। कोरोना महामारी की धीमी पड़ रही रफ्तार के बीच एक नए वेरिएंट ने तहलका मचा दिया है। इस नए वेरिएंट का नाम X ही है। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर चिढ़े बैठे पश्चिमी देशों को भारत ने साफ कह दिया है कि राष्ट्रहित को देखते हुए वो अपने व्यापारिक समझौते जारी रखेगा। तो हॉलीवुड सुपरस्टार विल स्मिथ ने ऑस्कर नाइट पर क्रिस रॉक को थप्पड़ मारने के बाद कल मोशन पिक्चर्स अकेडमी से इस्तीफा दे दिया है। उधर श्रीलंका में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने स्थिति की गंभीरता के मद्देनजर आपातकाल का ऐलान कर दिया है। इसी बीच पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता के बीच अब विपक्षी दलों के नेता और संभावित प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर जमकर निशाना साधा है। दुनिया भर में जारी इन तमाम हलचलों के बीच इन बड़ी खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। कोरोना महामारी की धीमी पड़ रही रफ्तार के बीच एक नए वेरिएंट ने तहलका मचा दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि कोरोना के नए वेरिएंट का नाम XE है। प्रारंभिक अध्ययनों के संकेत मिलता है कि XE वेरिएंट के संक्रमण की रफ्तार BA.2 वेरिएंट की तुलना में करीब 10% ज्यादा है। WHO के अनुसार अब तक कोविड के 3 हाइब्रिड या रिकॉम्बिनेंट स्ट्रेन का पता चला है, जिसमें से पहला XE, दूसरा XF और तीसरा XE है। इनमें से पहले और दूसरे वेरिएंट डेल्टा और ओमिक्रॉन के कॉम्बिनेशन से पैदा हुए हैं, जबकि तीसरा ओमिक्रॉन सब वेरिएंट का हाइब्रिड स्ट्रेन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना के XE वेरिएंट को लेकर चेतावनी दी है। WHO ने कहा कि XE वेरिएंट के बारे में पहली बार यूनाइटेड किंगडम में 19 जनवरी को पता चला था। अभी तक इसके 600 सीक्वेंस की रिपोर्ट आई है और पुष्टि भी हुई है। शुरुआती अध्ययनों के अनुसार XE वेरिएंट BA.2 की तुलना में 10% ज्यादा संक्रामक। इसमें BA.2 से स्पाइक और स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं, लेकिन इसमें भी BA.1 के जीनोम का 5वां हिस्सा ही होता है। इसमें वर्तमान में सैकड़ों सीक्वेंस मौजूद है। हालांकि अब इस वेरिएंट को लेकर हमें और ज्यादा अध्ययन करने की आवश्यकता है, क्योंकि दुनिया भर में घट रहे कोरोना के मामले 40% मौतें बढ़ी है और यही खतरे की घंटी है। कई देशों में हालत फिर से गंभीर हो रहे हैं। चीन में तो लॉकडाउन लगाने की नौबत आ चुकी है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर चीटे बैठे पश्चिमी देशों को भारत ने साफ कहा है कि राष्ट्रहित को देखते हुए वह अपने व्यापारिक समझौते जारी रखेंगे। अमेरिका के डिप्टी NS दिलीप सिंह को भारतीय अधिकारियों ने अपनी नाराजगी से वाकिफ कर दिया है। दिलीप से कह दिया गया है कि भारत को अंजाम भुगतने की धमकी देने और उसके आंतरिक मामलों पर सलाह देने से बास आए। भारत अपने आप में एक शक्ति है और दुनिया भर में उसके व्यापारिक हित है और उसे यह बताने की जरूरत नहीं है कि विदेश और आर्थिक नीतियां कैसे चलानी है। इसी बीच भारत और रूस की दोस्ती और गहरी हुई है। दोनों देशों ने जारी तनाव के बीच रणनीतिक साझेदारी को सिर रखने का फैसला किया है। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में भारत कोई भी योगदान को तैयार है। लावरोव ने मोदी को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का संदेशा भी दिया। रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि रूस और यूक्रेन विवाद में भारत मध्यस्थता कर सकता है, क्योंकि उसका रुख हमेशा से निष्पक्ष रहा है और वह कभी अमेरिकी दबाव में नहीं आया। लावरोव ने भारत की तटस्थ विदेशी नीति की तारीफ की है। दोनों देशों के बीच बेहतर संबंधों का जिक्र करते हुए लावरोव ने कहा कि भारत हमसे जो भी सामान खरीदना चाहता है हम उसे देने के लिए तैयार है, पर हम डॉलर पर आधारित भुगतान और व्यापार वाले सिस्टम से दूर जाना चाहते हैं। मालूम हो कि अमेरिका की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों के बाद रूसी अर्थव्यवस्था गिर रही है, वहां डॉलर का संकट है।
बॉलीवुड सुपरस्टार विल स्मिथ ने ऑस्कर नाइट पर क्रिस रॉक को थप्पड़ मारने के बाद कल मोशन पिक्चर्स एकेडमी से इस्तीफा दे दिया। विल स्मिथ ने कहा कि वह ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिए गए किसी भी पनिशमेंट को स्वीकार करेंगी। वह अपने बर्ताव के लिए किसी भी और सभी तरह के नतीजों को पूरी तरह से स्वीकार करेंगे। 94वें एकेडमी अवार्ड्स के दौरान मेरा बर्ताव बहुत ही शॉकिंग, पेनफुल और माफी के लायक नहीं था। मैंने एकेडमी का विश्वास तोड़ा है। मैंने बाकी के नॉमिनेटेड लोगों और विनर्स को उनके असाधारण काम के लिए सेलिब्रेट करने और उन्हें सेलिब्रेशन करने का मौका देने से वंचित कर दिया। मेरा दिल टूट गया है। अब मैं उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ जो अपने उपलब्धियों के लिए अटेंशन देने के लायक है और एकेडमी को फिल्म में क्रिएटिविटी और कलात्मकता का सपोर्ट करने के लिए अविश्वसनीय काम करने की अनुमति देते हैं। फिल्म एकेडमी के अध्यक्ष डेविड रूबिन ने कहा कि विल स्मिथ का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। 18 अप्रैल को हमारी अगली बोर्ड बैठक से पहले एकेडमी के आचरण के मानकों का उल्लंघन करने के लिए हम स्मिथ के खिलाफ अपनी अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ आगे बढ़ना जारी रखेंगे। मालूम हो कि विल स्मिथ ने ऑस्कर नाइट पर होस्ट क्रिस रॉक को स्टेज पर जाकर थप्पड़ मारा था। हालांकि विल स्मिथ ने बाद में एक सोशल मीडिया पोस्ट जारी करते हुए इस बात के लिए माफी मांगी और कहा कि क्रिस उनकी पत्नी की हेल्थ कंडीशन को लेकर मजाक बना रहे थे। इस बात पर वह काफी आक्रोशित हो गए। श्रीलंका में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे लोग सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने भी स्थिति की गंभीरता के मद्देनजर आपातकाल का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने 1 अप्रैल को एक असाधारण राजपत्र जारी किया जिसमें सार्वजनिक आपातकाल की स्थिति घोषित की गई। इसमें कहा गया कि यह निर्णय सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था की सुरक्षा और समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवा के रखरखाव के हित में लिया गया है। मौजूदा आर्थिक संकट के खिलाफ मिरिहाना में राष्ट्रपति राजपक्षे के आवास के पास बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के लगभग 24 घंटे बाद यह कदम उठाया गया है। इस बीच श्रीलंका के हालात सोशल मीडिया पर ट्रेंड में है जिसमें बताया जा रहा है कि मुल्क के आर्थिक हालात के चलते यह पूरा संकट खड़ा हुआ है। देशवासियों में इस कदर निराशा है कि एक और कुछ लोग भाग कर तमिलनाडु का रुख कर रहे हैं, वहीं कुछ मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। नौबत यहाँ तक आ गई है कि लोगों को बुनियादी दवाएं भी नसीब नहीं हो रही है। यूनाइटेड नेशनल पार्टी के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे ने चेताया है कि यह संकट 5 सालों तक चल सकता है। वे राजपक्षे सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि इसने निवेशकों के भरोसे को हिला दिया है। सूचना मंत्रालय के अतिरिक्त महानिदेशक मिलिंद राजपक्षे का कहना है कि वे भारत और चीन की क्रेडिट लाइन पर निर्भर है। पाकिस्तान में आरोप प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। राजनीतिक अस्थिरता के बीच अब विपक्षी दलों के नेता और समवेत प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर निशाना साधा है। शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री इमरान खान पर निजी हित साधने के लिए पाकिस्तान के वैश्विक हित को खतरे में डालने का आरोप लगाया है। नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट में कहा कि जिस तरह से इमरान खान ने देश के वैश्विक हितों को खतरे में डाला है उसे वह हैरान है। वहीं पाकिस्तान में सियासी संकट का सामना कर रहे प्रधानमंत्री इमरान खान ने हाल ही में अमेरिका को लेकर कई बयान दिए हैं। अब जानकारों का मानना है कि इससे अमेरिका और पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों पर काफी असर पड़ता है। वहीं अमेरिकी अधिकारी भी पाकिस्तानी अधिकारियों से बातचीत में सावधानी बरत सकते हैं। खान ने आरोप लगाए थे कि उन्हें सत्ता से बाहर करने की कोशिश में विदेशी साजिश शामिल है। हालांकि अमेरिका ने तमाम आरोप से इनकार कर दिया है। अमेरिकी प्रवक्ता ने कहा कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। राजनयिक समीक्षकों के अनुसार मेजबान देशों के दूतावास और अधिकारी कई बार ऐसे विचार व्यक्त करने के लिए अनौपचारिक बैठकों का इस्तेमाल करते हैं जो आधिकारिक माध्यमों के जरिए नहीं भेजे जा सकते। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज। नमस्कार। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो। बार बार उठो बैठो, उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।